निकी तंबोली ने बिग बॉस 14 में दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया था। निकी तंबोली का गेम प्लान दर्शकों को पसंद आया और वो शो में लंबा सफर तय करने में कामयाब रही। तो वहीं निकी तंबोली ने एक इंटरव्यू में कहा कि बिग बॉस 15 उम्मीद से ज़्यादा बोरिंग हो गया है। निकी के मुताबिक, बिग बॉस 14 में मैंने कहा था कि मैं गलत सीजन में आ गई हूँ, मैं खुद को सही करना चाहूँगी, मैं गलत सीजन में नहीं थी, इस बार का सीज़न सबसे ज़्यादा बोरिंग है, मैं खुद को खुदकिस्मत मानती हूँ कि मैं इस सीज़न में नहीं हूँ। तो वहीं निकी तंबोली बिग बॉस 15 की शुरुआत से ही प्रतीक सहजपाल को सपोर्ट करती आ रही हैं। जब निकी तंबोली से पूछा गया कि क्या प्रतीक सहजपाल उनके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट हमेशा बदलता रहता है। प्रतीक अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उमर का गेम भी अच्छा है, मुझे उमर भी पसंद है। उमर लड़कियों से बेवजह नहीं भिड़ते, लेकिन बिग बॉस 15 के जिस कंटेस्टेंट को जीतना चाहिए वह समिता सेट्टी हैं। निकी ने कहा कि समिता एक जानी मानी फैमिली से आती हैं, उन्होंने एक तरीके से अपनी ज़िंदगी जी है, लेकिन यहाँ आने के बाद से वह सभी के साथ एडजस्ट कर रही हैं। उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन वह मैनेज कर रही हैं। कई लोगों ने उन्हें इस बात के लिए टारगेट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके अपने दोस्तों ने उनका सपोर्ट नहीं किया। सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है कि समिता को सोच जीतना चाहिए। तो बता दें कि निकी तंबोली के इस बयान से देवोलीना भट्टाचार्य को मिर्ची जरूर लगेगी, क्योंकि वह ही शुरुआत से समिता सेट्टी को टारगेट कर रही हैं। वैसे आप निकी तंबोली की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।